कि 4 दिसंबर से जो चेंजेस आया है उसके कारण क्या आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स यूके से न्यूजीलैंड बिना एग्जाम से जा पाओगे या नहीं। तो अगर आप किसी भी पार्ट में फेल हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सेकंड अटेम्प्ट यूके से न्यूजीलैंड ट्रांसफर होते तो आप न्यूजीलैंड की फीस के बारे में अगर बात करते हैं, ऑस्की की फीस के बारे में, तो इन्होंने पूरी लूट मचा के रखी है। बहुत सारा काफी सारे सेंटर्स एक साथ नहीं खुल सकते, तो धीरे धीरे ये और भी सेंटर्स खुलेंगे। लेकिन अभी जो सीबीटी की फीस इन्होंने काफी अच्छी रखी है, बहुत कम फीस है सीबीटी की एज कम्पेयर टू यूके। आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि न्यूजीलैंड 4 दिसंबर से काफी सारे चेंजेस लाने वाली थी और वो चेंजेस इन लोगों ने ला दिए है। वो चेंजेस क्या क्या होने वाले है, वो सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्स से रिलेटेड और अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको काफी सारे ऑप्शंस आप नर्सिंग के बाद क्या क्या कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा। तो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल ने सेम टू सेम वही चीजें की है जो यूके नर्सिंग काउंसिल करती है। जैसा कि आपको पता होगा, यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर आने के लिए आपको सीबीटी प्लस ऑस्की देना होता है, तो सेम टू सेम चीजें नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड ने किया है। इन्होंने अपने थियोरी टेस्ट को सीबीटी नाम नहीं दिया है, लेकिन यह सीबीटी ही है। इन्होंने नाम दिया है द आईक्यू एंड थियोरेटिकल एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा वो आपको मैं पढ़ के बताऊंगा। जैसे आपको बताऊंगा कि यूके एनएमसी जो सीबीटी लेती है वो भी 180 मिनट्स का होता है और इन्होंने भी सेम टू सेम किया है। तो आपको अगर यूके सीबीटी बताऊंगी तो उसमें भी बताऊंगा कि पहला जो पार्ट होता है पार्ट ए, वहां पे आपको न्यूमरसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं, और जो पार्ट बी होता है उसमें आपको नर्सिंग नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेम इन्होंने जैसा यूके एनएमसी का पार्ट ए और पार्ट बी है वैसा ही किया है। आपको पता होगा कि यूके एनएमसी का सीबीटी पियर्सन व्यू सेंटर्स में होता है, वैसा ही जो न्यूजीलैंड का जो सीबीटी होने वाला है, थियोरेटिकल एग्जाम होने वाली है, वो भी पियर्सन व्यू के सेंटर में होने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम है आप 3 अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप देते हैं तो जैसा आपको यूके एनएमसी के सीबीटी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों टेस्ट देना होता है, वैसा ही न्यूजीलैंड के भी प्रोसेस में आपको दोनों जो पार्ट है पार्ट ए एंड बी एक साथ देना है। अगर आप किसी भी पार्ट में फेल हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सेकंड अटेम्प्ट में वही पार्ट आपको देना है। तो इन सारे एग्जाम्स के कॉस्ट की बात हम बाद में करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपने न्यूजीलैंड जाना है या यूके जाना है। तो ये सारी चीजें भी आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें न्यूजीलैंड जाना है या यूके जाना है, क्योंकि प्रोसेस तो सारी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आपने कौन सी कंट्री चूज करना चाहिए ये चीज के बारे में भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी हम बात करेंगे ऑस्की के बारे में, क्योंकि थ्योरी के बारे में हमने बात कर चुके हैं। ये जो ऑस्की होगा उसके लिए पहले आपका ओरिएंटेशन एंड प्रिपरेशन कोर्स होगा एक दिन, और जो दूसरे दिन आपका ऑस्की होगा। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा, और वो प्रोग्राम ऑस्की एग्जाम आप सिर्फ क्राइस्ट चर्च करके जगह है न्यूजीलैंड में, वहां का एक सेंटर है, उसी सेंटर में दे सकते हैं, क्योंकि यह प्रोग्राम इनके लिए नया है। तो ये काफी सारे सेंटर्स एक साथ नहीं खुल सकते, तो धीरे धीरे ये और भी सेंटर्स खुलेंगे। लेकिन अभी जो स्टार्ट कर रहा है ये प्रोग्राम, वो क्राइस्ट चर्च के सेंटर के साथ कर रहे हैं, और क्राइस्ट चर्च में ही आपको एग्जाम देना होगा ऑस्की की। आप इंडिया में रह के ऑस्की एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको यूके के ऑस्की के बारे में भी पता होगा, तो यूके के ऑस्की में भी आपको 10 स्टेशंस दिए जाते हैं, और 10 स्टेशंस आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट करना होता है। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी 10 स्टेशंस सेम टू सेम कॉपी किया है, और 10 स्टेशन उन्होंने अपने ऑस्की में भी रखा है। और ये 10 स्टेशन आपको कंप्लीट करने के लिए 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे का समय दिया जाता है, और 2 घंटे में आपको अपना ऑस्की कंप्लीट करना है। जैसा कि आपको बताया, क्राइस्ट चर्च में नर्स मॉडिक सिमुलेशन सेंटर करके एक जगह है, वहां पे आपका एग्जाम होने वाला है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी डिटेल भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप जाके वो सारी चीजों को और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको मैं जो मेजर चेंजेस आए हैं उन्हीं चेंजेस के बारे में बता रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना पैसा आपको सीबीटी और ऑस्की देने के लिए न्यूजीलैंड में और यूके में लगने वाला है, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कहाँ पे जाने का आपके पास बजट है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड एग्जामिनेशन की जो फीस है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो उनका थियोरेटिकल एग्जाम जिसे हम सीबीटी कह रहे हैं, उसकी फीस है 140 न्यूजीलैंड डॉलर्स। तो 140 न्यूजीलैंड डॉलर्स को आप अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है 7000 रुपीस, जो कि काफी अच्छी कीमत रखी है उन्होंने। काफी कम दाम में आपको सीबीटी करा रहे हैं, सिर्फ 7000 रुपए में आप सीबीटी कर रहे हैं न्यूजीलैंड की। और जो रिसीट अगर आपको देना है, तो अगर आप पार्ट ए में फेल हो जाते हैं तो आपको पार्ट ए के लिए 32 न्यूजीलैंड डॉलर जो कि 1600 रुपए होते हैं वही देना है। अगर आप पार्ट बी में फेल होते हैं तो आपको 108 मतलब 5500 रुपए ही पे करना है अगर आप पार्ट बी में फेल होते हैं। तो सीबीटी की फीस इन्होंने काफी अच्छी रखी है, बहुत कम फीस है सीबीटी की एज कम्पेयर टू यूके। अगर हम यूके के सीबीटी की फीस देखते हैं, तो यूके की सीबीटी की फीस है 83 पाउंड्स, मतलब 8000 8500 रुपए के आसपास। अगर आप यूके
में पार्ट ए में फेल होते हैं तो आपको 50 pounds देना पड़ेगा, मतलब 5,000 rupees। अगर आप पार्ट बी में फेल होते हैं तो आपको 7,000 rupees देना पड़ेगा। तो एज कम्पेयर टू यूके सीबीटी फीस, न्यूजीलैंड की सीबीटी फीस काफी कम है, काफी अच्छा इन्होंने फीस रखा हुआ है। अभी हम बात करेंगे ऑस्की के बारे में कि ऑस्की के लिए आपसे ये कितना पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऑस्की ये लोग दो पार्ट में करने वाले हैं। सबसे पहले दिन आपका ओरिएंटेशन एंड प्रिपरेशन कोर्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसका इन्होंने चार्ज रखा है 500 New Zealand dollars। तो जो आपका प्रिपरेशन कोर्स होने वाला है, जो ओरिएंटेशन होने वाला है, उसके लिए आपको 25,500 rupees देना होगा। और ऑस्की की जो फीस है, जो कि आपका नेक्स्ट डे आपका ऑस्की एग्जाम होगा, उसकी फीस है 3,000 New Zealand dollars। 3,000 New Zealand dollars को आप अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 1,53,000, 1,53,000 rupees आपको ऑस्की की फीस देना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऑस्की फेल हो जाते हैं तो आपको रिसीट के लिए 3,000 New Zealand dollars फिर से देना पड़ेगा। इंडियन रुपीज में 1,53,000 होगा। अगर आप एक बार ऑस्की फेल होते हैं तो आपको फिर से 1,50,000 rupees का खर्चा आता है। तो अभी हम यूके के फीस के बारे में बात करेंगे कि यूके में आपको ऑस्की एग्जाम देने के लिए कितना पैसा खर्चा करना होता है। तो जो यूके की ऑस्की फीस है वो है 794 pounds। तो 794 pounds को आप अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दे तो 80,000 के आसपास होती है। अगर आप किसी भी एक या दो मॉड्यूल में, मतलब किसी भी एक या दो स्टेशन, मतलब 7 stations से कम स्टेशंस में आप फेल होते हैं तो आपको सिर्फ 397 pounds ही पे करना होगा ऑस्की के लिए फिर से नेक्स्ट स्टेशन के लिए। अगर आप 7 stations से ज्यादा स्टेशन में फेल होते हैं तो आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन 7 stations से कम स्टेशन में आप अगर फेल होते हैं तो आपको सिर्फ 397 pounds ही आपको पे करना पड़ेगा, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे तो होगा अराउंड 40,000 के आसपास। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की फीस के बारे में अगर बात करते हैं, ऑस्की की फीस के बारे में, तो इन्होंने पूरी लूट मचा के रखी है, बहुत सारा पैसा आप लोगों से ले रहे हैं। ऑस्की के लिए ये लोग आपसे 3,500 New Zealand dollars ले रहे हैं, जो कि आप अगर इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करेंगे तो 1,80,000 rupees आपको सिर्फ ऑस्की के लिए देना होता है। वही आप अगर यूके में ऑस्की देते हैं तो आपको 80,000 में ही आपका ऑस्की कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो फीस भी जो आपको ऑस्की की देना होता है वो किसी भी कैंडिडेट को भरना नहीं होता है, वो सारी फीस हॉस्पिटल आपके लिए भरता है। तो अभी आपको बता दूं कि अभी हमने एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करें और आगे हम बात करने वाले हैं कि आप अगर रजिस्ट्रेशन न्यूजीलैंड के साथ करना चाहते तो कितना खर्चा आएगा और आप अगर यूके के साथ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं उसकी सारी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन को जाकर चेक कर सकते हैं तो आपको और भी ज्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगा। तो न्यूजीलैंड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 3-4 steps कंप्लीट करना होता है। सबसे पहला CGFNS वेरिफिकेशन करना होता है, उसके लिए आपको $300 देना होता है और उसे आप अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 25,000 rupees होते हैं। उसके बाद आपको न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल के साथ एप्लीकेशन करना होता है, उसकी फीस है 485 New Zealand dollars, उसे आप अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड होता है 25,000। और उसके बाद आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करना होता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल हिस्ट्री चेक का आपको $159 में $159 देना होता है, जिसे आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 8,500 होता है। और तो आप इस पूरे रजिस्ट्रेशन फीस को आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस होगा टोटल वो 58,500 होगा, प्लस आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है सीबीटी प्लस ऑस्की प्लस ओरिएंटेशन एंड प्रिपरेशन प्रोग्राम, उसका फीस आपको 1,80,000 आपको देना होगा। और आप इन दोनों को, रजिस्ट्रेशन प्लस एग्जामिनेशन फीस को कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2,45,500 आपको खर्चा करना पड़ेगा। यह हुआ एग्जामिनेशन प्लस रजिस्ट्रेशन के बारे में ही। अगर आपको यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर आना है तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 26,000 rupees खर्च करना है, वो है आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें आपको 143 pounds और सेकंड स्टेप में 120 pounds, ये दोनों मिलाएंगे तो आपको सिर्फ 26,000 rupees आपके रजिस्ट्रेशन पे खर्च करना है। 8,000 rupees की आपको सीबीटी एग्जाम देना है और जो 80,000 की ऑस्की एग्जाम होती है वो आपको उसकी टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉयर उसका पूरा टेंशन उठाएगा। तो आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स यूके में आना है तो आपको सिर्फ 34,000 rupees खर्च करना पड़ेगा आपके रजिस्ट्रेशन के ऊपर। हाउएवर इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन न्यूजीलैंड यू विल हैव टू स्पेंड 2,45,000 जस्ट ऑन योर रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन। लेकिन ये जो 2,45,500 की जो मैंने बात किया हुआ है उसमें मैंने आपको फ्लाइट टिकट्स एज वेल एज वीजा के बारे में बात नहीं किया। जब ये अमाउंट मैं कैलकुलेट कर रहा था तो मैंने इंडिया से, दिल्ली से न्यूजीलैंड की यानी ऑकलैंड की फ्लाइट टिकट चेक करने का कोशिश किया तो वहां पे मुझे पता चला कि आपकी वन साइड फ्लाइट एटलीस्ट 50,000 की पड़ेंगी, तो आप वो चार्जेस 50,000 भी आपको ऐड करना पड़ेगा, साथ ही साथ वीजा का खर्चा भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे खर्चे आपको खुद को उठाना है। अगर आप यूके आते हैं तो यूके में ये सारे खर्चे
आपको उठाना नहीं है। आपका एम्प्लॉयर आपके लिए फ्लाइट टिकट बुक करेगा, आपका एम्प्लॉयर आपका वीजा के लिए खर्चा देगा, भले ही वो खर्चा आपको यूके आने के बाद मिलेगा, लेकिन ये सारा खर्चा आपका एम्प्लॉयर उठाता है। तो आप अभी भी अगर कंफ्यूज्ड है कि हमें यूके जाना चाहिए या न्यूजीलैंड जाना चाहिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो अमाउंट मैंने आपको बताया 2,45,000 प्लस वीजा फी प्लस फ्लाइट टिकट, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ आप अगर न्यूजीलैंड जाते हैं तो आपको अकोमोडेशन भी ढूंढना है कि आप रहेंगे कहाँ, आप खाएंगे क्या, ये सारे खर्चों को भी आपको अपने दिमाग में रखना है। तो आपको डिसाइड करना है अभी कि आपने न्यूजीलैंड जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है। अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं, लेकिन आपकी फैमिली अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो यूके आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप अगर देखेंगे कि यूके और न्यूजीलैंड में क्या डिफरेंसेस है, तो यूके और न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। यूके भी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है। यूके में मैं पिछले 2.5 साल से रह रहा हूँ और मैंने सिर्फ एक ही बार यहाँ पे स्नोफॉल देखा है, और नॉर्थ पार्ट ऑफ यूके जाएंगे तो वहाँ पे साल में 1 या 2 बार स्नोफॉल होता है, लेकिन साल भर स्नोफॉल यहाँ पे नहीं होता है। तो यूके का वेदर भी बहुत बुरा नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है कि यूके में बारिश आती है, और न्यूजीलैंड में भी एक दिन में आपको सारे वेदर्स देखने मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड काफी गर्म जगह है, न्यूजीलैंड में सनशाइन ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूके, बट आप अगर वेदर के बारे में बात करेंगे तो बहुत अच्छा, मतलब ऑस्ट्रेलिया के समान वेदर आपको न्यूजीलैंड में नहीं देखने मिलेगा। और साथ ही साथ न्यूजीलैंड बाकी सारे देशों से इतना दूर है कि वहां पे सारी चीजें इम्पोर्ट करना होता है। इम्पोर्ट करने के कारण वहां की जो चीजें है एज कम्पेयर टू यूके के ग्रोसरी से आपको न्यूजीलैंड की ग्रोसरी महंगी मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको सब लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि आप अगर ज्योग्राफिकली देखेंगे तो न्यूजीलैंड एक आइसोलेटेड प्लेस है, एक आइलैंड है जिसको ब्रिटिशर्स ने ही बनाया हुआ है। तो इसीलिए आपने देखे होंगे कि इन्होंने सारी कॉपी जो सीबीटी और ऑस्की की जो भी एग्जामिनेशन कॉपी है सारी की सारी यूके से करी हुई है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जो वीडियो है काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और डेफिनेटली आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होंगी कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। और आखिरी चीज आपको बताना चाहता हूँ कि काफी सारे लोग यूके से भी न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, तो वो लोग भी कंफ्यूज है कि 4 दिसंबर से जो चेंजेस आया है उसके कारण क्या आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स यूके से न्यूजीलैंड बिना एग्जाम से जा पाओगे या नहीं। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपको कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी सीबीटी और ऑस्की यूके में दिया हुआ है, और उसी की बेस पे आप यूके में रजिस्टर्ड नर्स बने हैं। तो आपको मेरे हिसाब से तो न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए सीबीटी या ऑस्की नहीं देना पड़ेगा अगर आप रजिस्टर्ड नर्स इन यूके है। तो आपको अगर यह डाउट है कि क्या मैंने अपना रजिस्ट्रेशन यूके से न्यूजीलैंड में ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं, तो आप डेफिनेटली ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर रजिस्टर्ड नर्स न्यूजीलैंड में है तो डेफिनेटली आप रजिस्टर्ड नर्स ऑस्ट्रेलिया में भी बन सकते हैं। तो यह काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपना रजिस्ट्रेशन न्यूजीलैंड में ट्रांसफर कीजिए, वहां से ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर कीजिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहते हैं तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली आप ऑस्ट्रेलिया मूव होइए, क्योंकि न्यूजीलैंड और यूके में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप यूके से न्यूजीलैंड ट्रांसफर होते तो आप पछताओगे, अगर आप यूके से ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर होते तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छा वेदर आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलेगा एज कम्पेयर टू यूके। तो आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है या इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।